व्यापारी द्वारा किसानों को राशि नहीं देने पर मंडी में किसानों ने किया हंगामा। मंडी सचिव ने स्थानीय थाने पर व्यापारी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। खरगोन जिले के सनावत नगर की कृषि मंडी के एक व्यापारी द्वारा किसानों को उनकी उपज की राशि नहीं देने का मामला सामने आया है, जहां मंडी सचिव ने व्यापारी के खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन देकर किसानों को उनकी राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सोमवार को मंडी खुलने के बाद बड़ी संख्या में किसान मंडी ऑफिस पहुंचे, जहां अथर्व एंटरप्राइजेस के अखिलेश पटेल द्वारा किसानों को उनके चने की उपज की बकाया राशि नहीं देने की बात कही। वही मौके से फरार होकर फोन बंद कर लिया। व्यापारी को इस संबंध में फोन लगाने के बाद व्यापारी द्वारा पैसा देने में आनाकानी की जा रही है। किसानों ने बताया कि शुक्रवार तक मंडी में उक्त व्यापारी द्वारा खरीदी की गई, लेकिन मंडी के कुछ कर्मचारी बोल रहे हैं कि वह नहीं था, लेकिन जब फोन लगा रहे हैं तो वह पैसे देने में टालमटोल कर रहा है। वहीं गत वर्ष भी इसी व्यापारी ने अन्य फार्म बनाकर किसानों की उपज के बदले पैसा नहीं देते हुए धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद मामला खुला और जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद किसानों को उनकी उपज का दाम मिल पाया। जबकि सोमवार को भी करीब 40 से अधिक किसान मंडी परिसर पहुंचे। मंडी सचिव बीएस परिहार ने बताया कि व्यापारी की किसानों द्वारा मिली शिकायत के बाद व्यापारी पर पुलिस थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कर रहे हैं। व्यापारी से उनकी उपज का दाम दिलवाने के लिए मंडी वेयर हाउस में रखी उपज बेचकर एवं बैंक खाते में राशि आहरण कर किसानों को उनकी उपज का पैसा दिलवाया जाएगा। कंपनी का व्यापारी अखिलेश पटेल का सुबह से मोबाइल बना रहा है और वो फरार हो गया है। किसानों का भुगतान नहीं करा है, तो किसानों के भुगतान के लिए किसान सारे सब मंडी में आए हुए हैं। 45 किसान के करीब में हैं और राशि का तो कुछ भी अनुमान नहीं है। अभी टोटल अब सभी अनुमान आवेदन ले रहे हैं और पूरा उसके स्टेटमेंट भी मतलब बैंक का से व्यापारी के पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं। वो देखते हैं कितना टोटल कितना अमाउंट है, उस हिसाब से फिर पूरा भुगतान करवाएंगे। मंडी के द्वारा अभी फिलहाल तो FIR व्यापारी के खिलाफ करवा रहे हैं और फिर इसका जहाँ भी मतलब माल रखा हुआ है गोडाउन में, वो गोडाउन में माल सीज करेंगे और जैसा भी फिर उसको नीलाम करवा के किसानों का भुगतान करवाएंगे। वो लाइसेंस ऑनलाइन ने का आवेदन कर दिया नाम बदल के और लाइसेंस ले लिया। ऑनलाइन में क्या है कि 15 दिन में वैसे भी उसकी प्रोसेस रहती है। हमारा भुगतान नहीं हो रहा है तो 2 तारीख को हमने माल भेजा था, चना 324,187 रुपये मिला है। अभी तक हम यहाँ आए तो सेक्रेटरी साहब ने आवेदन मंगा लिया और अगले अपने आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का अथर्व एंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म, अभी तो जानकारी मेरे पास 60-70 किसान बता रहे हैं। यहाँ से ये बोला है कि अभी आवेदन दे दो, बाद में हम उसको पेमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। किसान पेमेंट चाह रहा है। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट बढ़वा।